क्या आप एक बेस्ट टीचर हैं? अपने 26 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक मुझे बेस्ट टीचर की परिभाषा समझ नहीं आई। बेस्ट टीचर का मतलब क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था, टीचर हैज अ कैपेसिटी टू इंस्पायर, टू ड्रीम मोर, टू लर्न मोर, टू डू मोर एंड टू बिकम मोर। एक टीचर की ही क्वालिटी बच्चों को इंस्पायर करती है और इस डेफिनेशन को सत्य साबित करती है। सबसे पहले टीचर एक रोल मॉडल होता है, यानी टीचर के कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चे को सिखा रहे हैं, हार्ड वर्किंग बनो, ऑनेस्ट बनो और खुद ही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। प्रोफेशन और पैशन एक होना चाहिए। टीचिंग को पैशन समझकर जीवन गुजारना होता है। दिल और जान से बच्चों को अपनाना पड़ता है। बेस्ट कम्युनिकेटर, टीचर का काम शिक्षा देना है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अपने बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचा सकते हैं? बच्चों के लेवल पर जाकर उन्हें पढ़ाना पड़ता है, सीखने और सिखाने पर यकीन करना पड़ता है। बच्चों द्वारा पूछे गए सवाल पर गुस्सा नहीं करना बल्कि खुश होना एक अच्छे टीचर की निशानी होती है। बच्चों को अपना बनाने की कला, बच्चों को प्यार देना और बच्चों से प्यार लेना दोनों आता है। टीचर के आने से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और जाने से बच्चे दुखी हो जाएं, यही निशानी है एक अच्छे टीचर की। बच्चों की मनोभावना को समझना, टीचर हर प्रकार के बच्चों को समझने की क्षमता रखता है और हर बच्चे की माइंड को समझना पड़ता है। बच्चों के जीवन का लक्ष्य समझाना, जब टीचर बच्चों के लेवल में जाकर उन्हें समझने लगते हैं तो उन्हें पता होता है कि इस बच्चे का लक्ष्य क्या है, यानी टीचर ही बच्चों का गोल सेटर भी होते हैं, डायरेक्शन भी दिखाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। बच्चों को अच्छा सीखने वाला बनाना, हमेशा प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना। एक अच्छा टीचर कभी भी बच्चों को थकने नहीं देता क्योंकि उसे पता है बच्चों की थकान कैसे दूर करनी है। मोटिवेटर का मतलब यही होता है। अनुशासन में रहना, बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना, बच्चों को महसूस करवाना डिसिप्लिन क्या होता है। बच्चे टीचर की एक्शन से सीखते हैं ना कि टीचर के लेक्चर से। व्यवसायिक होना और भौतिकतावाद नहीं। एक अच्छा टीचर सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। यकीन माने, अपने अनुभव से बता रही हूँ, जो लोग पैसे के लिए नहीं सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं वही हाई अचीवर्स बनते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हों। पैसे तो खुद ब खुद आपके पीछे चला आएगा। अपनी कीमत तो बढ़ाइए, अपनी काबिलियत तो समझाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी टीचर्स को शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले रविवार।